Okay. Trying out new things. Hello, Pranshu. Hello, Abhijit. Hi, Sudeep. Pranam. Pranam, Pranam. Kya hal chal? Hello, Ditu. Audio kam aa raha hai, bhai? Mera? Dhruv, Rajiv, Pranshu, hi. Is it okay now? Amit, hi. ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। ओके। हाय निवेदिता, मेरा वॉल्यूम कम है, सॉरी। हाँ इट्स ओके। ओके, सो लेट फ्यू पीपल जॉइन इन। हेलो अमित, हेलो आंटी, सो अ लॉट ऑफ पीपल। लाइव रिव्यू है क्या किसी चीज का? लाइव रिव्यू नहीं है, एक आ रहा है, दो मिनट रुको। प्रांशु, अमित, अंकित सर, वेव जरूर वेव करते हैं, वेव ऐसे कर सकते हैं। शुरू करें? बिल्कुल। ओके, सो वेलकम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दिस इज प्रणाम प्रणाम, दिस इज अभिषेक और एजे एज आई कॉल हिम, एंड आप लोग सब जानते हैं कौन है। सो हु वी आर, सो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नहीं, अच्छा अभिषेक, पहले तुम बताओ तुम कौन हो एंड व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, तो मैं अभिषेक झा, आई रन अ पेज कॉल्ड सिनेमा रेवरी वेर एन आई टॉक अबाउट इंडियन फिल्म्स, बेसिकली अंडर रेटेड इंडियन फिल्म्स। आई एम एन एमबीए स्टूडेंट स्टडी इन देहरादून। Apart from movies, I take interest in sports, basically cricket and pro wrestling, and politics a lot, and in history, in Indian history, to be honest. And yeah, in books, I love reading books. I like traveling. Music is another interest of mine. So that goes. Yes. सब कुछ पसंद है गांडे को। हाँ, सब काफी फैला हुआ कारोबार है। तो झारखंड, तो अपना इंट्रो भी एक हो जाए। एंड आई रन द चैनल, यूट्यूब चैनल अबैश पर्स्यू एंड द पेज अबैश पर्स्यू। सो व्हाई आर वी डूइंग दिस लाइव, व्हाई आर वी डूइंग, सो वी आर बोथ एजे एंड मी, ही रन द चैनल सिनेमा रेवरी एंड आई रन अबैश पर्स्यू। सो वी हैव डिसाइडेड टू कम अप विद एन ऑनलाइन इंस्टा लाइव शो वीकली, हर संडे कोशिश करेंगे, मूवी गपशप। Movie Gupshup as its name, and we are going to talk about cinema, scripts, kahaniyan, achhi kahaniyan, pyari kahaniyan, jo underrated films ke bare mein baat karenge, jo films koi dekhte nahi hai, miss kar dete hain, popular ho nahi pate, aur anything and everything related to cinema. Matlab wo to mere pe chhod do, to aise hi baat ho jayegi, but ek hum log socha ki ek officially jod ke kahin pe. So how did we meet, Abhishek? हाँ, सो आई रोट अबाउट दिस मैथिली फिल्म कॉल्ड गामक घर, डायरेक्टेड बाय अचल मिश्रा। सो मैंने उस मूवी के बारे में लिखा, एंड सुदीप महाराज गॉट टू नो अबाउट इट एंड ही टेक्स्टेड मी। सो वी हैपन टू बी फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ बिहार, फ्रॉम मिथिलांचल रीजन, वी स्पीक मैथिली, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द कॉन्वर्जेशन। एंड देन आई गॉट टू नो कि ही ऑल्सो रिव्यूज फिल्म, सो then he came up with this idea ki we should do a live show, ki interest kahin kahin same hai, Indian movies mein hum deal karte hain, to hame kahin baat karni chahiye aise, and that's how we came up. Hello Abhiram, sorry but bolte waqt na people guzarte ja rahe hain niche se, I'm not able to, hi everyone jo bhi dekh rahe hain, hello welcome. जैसे उसने कहा, मतलब एजे हैड रिव्यूड गामक घर, एक मैथिली फिल्म है, बहुत अच्छी बनी है, हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगती है थ्रू आउट द मूवी, और बहुत ही गुड पेस है, और आपको एक सुकून और वो लाइफ, गांव वाला लाइफ, और वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है वो फील करने को, नॉस्टैल्जिया वाली फील है, और कमिंग ऑफ एज भी था ना पूरा, वो बचपन से लेकर बड़ा होता है उस घर में, देन ही कम्स आउट। सो
वो एक काफी, और डायरेक्टर का मैंने बाद में इंटरव्यूज भी देखा था, तो उसने हाँ काफी डिटेल में बताया कि क्यों उसके दादाजी, जो फोटो था ना घर में वो उसके दादाजी का था, या हम उसके अपने स्पेसिफिकली दादाजी एक का। एपिसोड सिर्फ गामक घर पे रख सकते हैं। ओके, ये एक हाँ कामक श्योर घर श्योर पे श्योर वी कैन डू एक पक्का वाला। सो एपिसोड। या एनी क्वेश्चन, वी विल गो बैक, गो टू द रिसेंटली वॉच फिल्म जो एजे ने या मैंने देखी है। आप लोग बताओ, एनी एनी टॉपिक दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट फिल्म से रिलेटेड प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनी मूवी दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट, इफ वी सी समथिंग बिलो वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट और स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। रिसेंटली कोई मूवी देखी एजे? मैं वैसे आई हैव बीन वेरी बिजी विथ माई इंटर्नशिप, सो मैं कुछ नहीं, तो महीना भर से तो मैंने मूवीज उतनी देखी नहीं है। बस डे बिफोर यस्टरडे आई वॉच्ड फ्रांसिस हा, नोआ बाम्बाक, किससे अवेलेबल है? ये सब मत पूछा करो यार, तुम कहाँ चले जा रहे हो, किस पे अवेलेबल है। ओके ओके मैं ओके ओके घर में ओके रहना ठीक है, चाहता समझ गए समझ हूँ। गए। सर हाँ, इट्स अ फिल्म अबाउट अ गर्ल, मैं भूल भी चुका हूँ क्या मूवी थी। यू नो ग्रेटा गर्विक, सो शी प्लेज द लीड फ्रांसिस। हाँ, सो हुज सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग विद हर करियर, एंड देन शी डील्स विद सेवरल इश्यूज विद हर लाइफ। सो द मूवी इज बेसिकली अबाउट दैट। 85 मिनट फिल्म, वेरी गुड मूवी, वेरी गुड मूवी, रिलेटेबल। सो देखोगे तो लगेगा कि मैं ही हूँ, because in probably 2 or 3 years of time will probably be that character, कि वही है हम जो फ्रांसिस उसमें है। तो वेरी गुड मूवी, वो देखी थी। अभी तो फिर देखते हैं अब कहाँ जा रहे ओके हेलो नवीन। सो एक एक थोड़ा थोड़ा गरम गरम रिक्वेस्ट आई है टू टॉक अबाउट द मूवी विच आई रिव्यूड यस्टरडे, हैं। डॉली कितनी, डॉली किट्टी हाँ और चमकते वो चमकेगा। सजाते, सो भाई साहब का प्लान था, बट इंटर्नशिप में भाई साहब बिजी हैं तो वो देख नहीं पाए। तो उससे सॉरी। पहले लेट अस टॉक अबाउट यू 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 टो तुमने डाला था अबाउट लिपस्टिक अंडर माय यस, बुरका। उसके पहले तुमने डाला था कि यू यू गोना टॉक अबाउट, यू हैड रिटन सम आर्टिकल वुमेन अंडर, वुमेन वो विद अ क्या था मूवी उसके बारे में कैमरा। बताओ, हाँ देन आई टॉक। हाँ ओके, सो देयर इज हाँ दिस इवेंट गोइंग ऑन, हेरिटेज, वुमेन विद अ मूवी कैमरा, मेट्रिया ओके की रूल्स। सो इन हाँ, ओके तो उस इवेंट में हमने पूरे सितंबर को प्लान किया हुआ है। 30 अकाउंट्स हैव कम टुगेदर टू रिव्यू, टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। तो हाँ, तो वी आर टेकिंग फिल्म्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, वी डिसाइडेड ऑन डेट्स एंड वी आर रिव्यूइंग फिल्म्स ईच डे। सो सिंस आई ओनली डील विद हिंदी फिल्म्स, इन बेसिकली इंडियन फिल्म्स, एंड दिस हैपेंड टू बी वन ऑफ दोस, सो आई रोट अबाउट दैट। नाइस नाइस। नितेश, रजत, हेलो हेलो हेलो। हेलो रजत, हाय। ओके सो टॉकिंग अबाउट डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, सो द मूवी वाज अगेन सेकंड मूवी फ्रॉम अलंकिता श्रीवास्तव। पहली मूवी सब ने देखी, बहुत लोगों को पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई थी पहली वाली, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से थी। बट मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे, बहुत सारे रिव्यूज देखे, और उसमें मेरा एक रूल है, जब तक मेरा अपना रिव्यू ऊपर चढ़ नहीं जाता, मतलब अपलोड नहीं हो जाता यूट्यूब पे, तब तक आई डू नॉट वॉच अदर रिव्यूज। तो बहुत सारे रिव्यूज में देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉपिक अबाउट यू नो फेमिनिज्म पे बात होगी, कि बहुत लोग बोलेंगे बकवास है एंड ऑल ऑफ दैट। सो मेरा एनालिसिस ऑफ द मूवी वाज, एंड आई एम गोइंग टू गिव स्पॉइलर क्योंकि आपने देखी नहीं तो वो मिस हो चुका है, बट अब जो होना है होने मुझे दो। लग नहीं था कि मैं देखने भी वाला हूँ। सो द वे द मूवी इज प्लेस्ड, इट इज कम्प्लीटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वुमन, वो क्या देखती है, वो क्या, और खास बात यह है कि वो दरभंगा बिहार की लड़कियों, मतलब वो नोएडा गई है, अब वो उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। भूमि का कैरेक्टर को कभी किसी ने आई लव यू नहीं कहा, सो हाय हेलो थैंक प्रतीक। सो कभी उसने किसी किसी लड़के ने कभी आई लव यू नहीं कहा, तो वो एक्सप्लोरेशन, वो क्यूरियोसिटी जो रहती है, पहला पहला प्यार वाला, उसके तरफ भूमि का एक एंगल रहता है, वो कैसे एक्सप्लोर करती है। डॉली दी या दिस कौन का नाम, उनकी शादी हो चुकी है, वो सेटल्ड, और फुल बिहारी एक्सेंट पे बात हुई है पूरी पूरी मूवी में। हेलो हम क्या कर रहे हैं, एक तो बात बोले, और बिल्कुल ऐसा वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और दरभंगा बिहार बोल के, मतलब जब वो
शब्द भी सुनाई दिया था, लगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, ये तो पता एग्जिस्ट करता है, बट एक बार यू नो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कभी सुनने को मिलता तो अच्छा लगता है। और उनकी लाइफ, उनके चैलेंजेस, और वो टिपिकल जो दो बहन में राइवलरी नहीं बोलेंगे, पटाखा टाइप राइवलरी नहीं, बट होता ना नोक झोंक, या फिर तुम्हारा बेटर कैसे, तुम्हारा लाइफ मेरे से बेटर कैसे है, मेरा लाइफ उनसे बेटर है, हल्का 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 वो टाइप का। और कुछ कुछ बेसिक स्टीरियोटाइप्स और प्रॉब्लम्स जो हमारे सोसाइटी में है, कि मतलब जो एक एक तमगा में रख दिया जाता है कि ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अच्छी लड़कियां इस घर की ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, वो एक टिपिकल टेम्पलेट में आप फिल कर देते हो और फिर उसी हिसाब से जज करते हो, वो सब पे चोट किया गया है थ्रू आउट द मूवी। और बहुत सटल सटल मैसेजिंग भी है, मतलब कुछ कुछ सीन्स में डायलॉग नहीं है, बट आपको सीन समझ कर, मतलब फ्रेम देख के समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रही है अलंकिता। सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, तो एंटरटेनमेंट फ्रंट पे अगर आप एक एंटरटेनिंग मूवी बैठ के देखना चाहते हो, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट दिस मूवी इज गोइंग टू डू फॉर यू। व्हाट व्हाट दिस, हेलो यशस्विनी, सो हाय दी, हेलो काल्पनिक, या काल्पनिक इज माय एल्डर सिस्टर, सो ओ नमस्ते, प्रणाम दी, क्षमा। सो व्हाट, सो मेरे लिए एट द एंड ऑफ द मूवी ना, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज लिटरली लाफिंग, हिस्टेरिकली भी था, और कि यार फाइनली कोई ये मूवी इस पे बना दिया, इस इशू पे। तो एक में बहुत अच्छी बात है, तो डॉली कोंकणा सेन का जो छोटा बेटा है पप्पू, ही, हेलो मेदुला, सो कोंकणा सेन का छोटा बेटा है पप्पू, ही लाइक्स टू प्ले प्लेइंग विद डॉल्स, डॉल्स के साथ खेलना, लड़कियों वाले आदत, मतलब ज्यादा पसंद है मेकअप करना, वॉक करना पसंद है, और उसको ऑब्वियसली अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, उसकी मम्मी उसको पीटती है उसके रूम में, फेंक देती है, एंड तो वो अलग था कि यार अरे वाह पहला बार कोई इससे बात कर रहा है, क्योंकि ये नहीं देखा जाता यार लड़के लड़के की तरह बिहेव करो, लड़कियां लड़के तरह, वो चॉइस नहीं रहता कि भाई मेरे को तो ये पसंद ही नहीं, क्रिकेट पसंद ही नहीं। और वो कहानी आगे बढ़ती है, तो एक पॉइंट हमारा चलता है कि पप्पू घर से भाग के एक टॉय स्टोर में खेल रहा है डॉल्स पर, और कौन कहा था इनका उस समय बहुत हेलो विशाल, बहुत मतलब कचरा हुआ रहता है, वो बहुत पिस्ड ऑफ रहती है, वो जाती है और देखती है कि इसका बेटा खेल रहा है, तो एक डॉल का मैनिक्विन रहता है, उसका सर नहीं रहता, और पप्पू का सर वहां रहता है, और वो देख के बहुत खुश रहता है, वो देखती है, और फिर वो अंदर दुकान में जाके डॉल साथ खेलते रहता है, तो वो बोलती है कि वो उसके आंख में आंसू रहते हैं, वो गुस्सा में रहती है कि और इसको तो आज, तो पप्पू बोलता है कि मम्मा घर में पिटोगी ना, मुझे यहाँ तो एंजॉय करने दो। एंड आई वॉज ब्लोन अवे, मतलब वो इतना सिंपल सा बात है कि अरेता, इतना सिंपल सा बात है कि आपका जो, मतलब वो बच्चा सिंपल सा चीज बोल रहा है कि ठीक है, वो पिटने के लिए तैयार है, ही हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मेरा पिटना पक्का है, जब तक पिटना नहीं तब तक चलो, तब तक तो मेरा दिल का बात मान लो। एंड देन शी रियलाइजेस दैट ये फोर्स करने की जरूरत नहीं है, यू नो यू डोंट नीड टू फोर्स समवन, और यू डोंट नीड टू प्रेशराइज समवन, कि तुम्हारा चॉइस क्या है। एंड हेलो ओम प्रकाश भैया, सो इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरा एनालिसिस बेस था कि अगर आपका बच्चा ऐसा करता तो क्या आप मारते, या फिर आप सोचते ना कि भाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचो यार, वो क्या उसको नहीं पसंद है, क्या करोगे, इट इज नेचुरल, इट इज गॉड गिफ्ट, आप उसको उस तरह से अलाइन करोगे, एंड द स्टोरी मूव्स इन दैट वेरी ब्यूटिफुल फैशन। एंड अगेन वाई वॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट, मेरे कोई और तो मेरे लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं, आई वॉज जस्ट वॉचिंग, वाह क्या बात है। वहां मेरा दो पॉइंट आया दिमाग में, नंबर वन मेरा रिव्यू ऐसा ही होता है पूरा, मेरा एकदम बिल्कुल एक होता है ना पूरा एक उबार निकल जाता है मेरे दिल का। तो पांच महीने आई डिड कुकिंग इन बैंगलोर, व्हेन आई वाज इन बैंगलोर 5 महीने आई डिड अ लॉट ऑफ कुकिंग। उस समय जब आटा गूंथते थे ना, तो मेरे दिमाग में आता था कि यार मम्मी ये कैसे कर लेती है, 25 साल 30 साल मम्मी ये की है, क्योंकि उस समय आटा गूंथते वक्त मतलब होता है कि मेरा लाइफ में यही बचा है, मेरा करियर कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा एस्पिरेशन कहाँ है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे दिमाग में पूरा वो सब चलता था। और हम मम्मी से पूछे कि मम्मी आप जब आटा गूंथती हो तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आपके दिमाग में कुछ आता होगा, मम्मी बोलते कुछ नहीं सोचते हैं, क्या सोचेंगे। मेरे को तब वो हिट किया कि ऐसा कितना चीज है, अगर हम मैं कि ऐसे कितनी सारी बातें हैं जो औरतें सोचती भी हैं और हम लोग को पता भी नहीं है, मतलब हम लोग वो जहाँ शुरू कर रहे हैं वहां वो लोग ऑलरेडी, हेलो नेहा, वहां वो ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, वहां वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही हैं।
नेहा इज ऑल्सो माई सिस्टर. नेहा भी थी. प्रणाम. सो ये देख के आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ओके. और एक सेकेंड टेक अवे व्हिच आई टुक वाज कि जैसे अलंकृता वुमेन इश्यूज पे और जो फिल्म बना रही है, हम लोग का भी दुख है भाई. हम लोग का भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं बोलते, चुप रहते हैं. कोई नॉट मेल डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हम लोग का ही प्लॉट लेके, हम लोग का थॉट प्रोसेस, हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को अच्छी बहू लाना है, हम लोग को अच्छा दिखना है, हम लोग को फिट रहना है, हम लोग को बहुत चीज करना. वी आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, लॉट ऑफ स्टफ. जो भी स्टीरियोटाइप्स है हम लोग को भी कैटेगराइज किया जाता है. कोई हम लोग का ही फिल्म बनाए तो दैट वुड बी अमेजिंग. सो अगेन इट्स नॉट एन एंटरटेनिंग फिल्म, बट एज एन फ्रॉम एन एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम फिल्म देखोगे यू विल डेफिनेटली लव इट. सो दैट इज व्हाई आई एंजॉयड द मूवी, क्योंकि वो 2 घंटे का था, क्रिस्प था और बहुत फास्ट पेस था. फट 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 फट, एक के बाद एक. वो टाइम नहीं मिल रहा था कि भाई कब नेक्स्ट आ जाए, तो इसलिए आई रियली लाइक दिस. सो आई वॉन्ट टू, दैट वॉज अभिराम, आई होप आई आंसर दैट. I want to talk about your page. Why did you decide to start Cinema Reverie? Okay, so बड़े होते होते मूवीज तो बहुत सारी देखते थे, पर सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित था वो. और साउथ इंडियन कभी ऐसे एक दो आ जाती थी टीवी पे, वो बहुत ही खराब डब वाली, हिंदी डब बहुत. हाँ तो सूर्या, मैं हूँ सूर्या सिंघम टाइप. हाँ तो वो सारी कुछ चलती थी. देन माई एल्डर ब्रदर इंट्रोड्यूस मी टू हॉलीवुड फिल्म, इनको देख के मैं बहुत खुश हो गया. उसके बाद आई स्टार्टेड, आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट फॉर दोस काइंड ऑफ फिल्म्स. सो उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे इंडियन फिल्म्स भी तो होंगे, तो मैंने मुक्ति भवन देखी. एंड देन आई वाज वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव. मुक्ति भवन देखी, यस आदिल हुसैन. तो मुक्ति भवन देखी, मसान देखी, उस जॉनर की ऐसे आंखों देखी देखी, वहां से शुरू किया. तितली देखी, बनारस होके बनारस होके बनारस ही होके आ गया एक तरह से. वो सारी मूवीज देखी तो मुझे लगा कि, और फिर मैं जब ऐसा है कि मूवीज देखते हो तो आपको लगता है कि यू शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द मूवी विद समवन. सो मैं निकला तो किसी को पता ही नहीं है, नहीं घर वालों को पता है, नहीं दोस्तों को पता है, किसी को पता ही नहीं है. तो क्यों नहीं पता, तो हो सकता है मूवी की मार्केटिंग में कोई फॉल्ट हो. लेकिन नहीं, मूवी तो क्या मार्केट करेंगे, उनकी कोई बजट नहीं है. अब बजट क्यों नहीं है, क्योंकि लोग देखते नहीं है. एक 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 या पॉइंट ऐड करते हैं. तितली जो है ना वो यश राज की फिल्म. हाँ हाँ यस. तो अगर 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 पैसे और मार्केटिंग की बात तो मत बोलो. नहीं लेकिन उनको उनको बजट ही नहीं रहता ना उनको, क्योंकि उनको पता है स्टार कास्ट उतनी नहीं है, तो ऑडियंस ड्रॉ नहीं करने वाले थिएटर्स में. अब तो चलो ओटीटी आ गया, लेकिन अभी से 2-3 साल पहले तो ओटीटी का भी थोड़ा हालत वैसे ही था. तो हाँ, तो आई स्टार्टेड अ ब्लॉग. मैंने कहा कि वैसे कॉलेज में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आई स्टार्टेड अ ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस विद द नेम सिनेमा रेवरी. माय फ्रेंड सजेस्टेड दिस नेम, तो थैंक यू अनन्या. सो नाम सजेस्ट किया, फिर हमने स्टार्ट किया, कोशिश की. फिर मैंने रेवरी मतलब रिव्यू, नो रेवरी मतलब जिसके ख्यालों में खोए रहते हो, समथिंग लाइक दैट. तो तो निशांत, हेलो निशांत. So I also watched Powder. Powder is a very good series. Pankaj Tripathi, Manish Chaudhary भी. तो वो भी देखी, उसके बारे में भी कहीं नहीं आता था. तो that was the first series or first piece of art that I wrote about on my blog. तो कुछ दिनों तक वो चला, फिर मैंने देखा कि उसपे audience नहीं आ रहा था. घर वाले ही, दो बहनें देखती थी, दो चार दोस्त जो क्लोज थे, जो सपोर्टिव थे, वो पढ़ते थे, पापा पढ़ते थे, और कोई इतना पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था. और नया था तो मुझे लग रहा था कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है. सो आई थॉट कि, एंड देन एट द सेम टाइम, हेलो स्काईवॉक, स्काईवॉकर नथिंग बट फिल्म्स सिनेमा वाला, हाय नथिंग बट फिल्म्स, हेलो सर, हेलो रचित सर, हेलो रोहित. तो देन आई स्टम्बल्ड अपॉन अ फ्यू मूवी अकाउंट्स, जहां मेरे एक फ्रेंड है, उनके बड़े भाई जो हमारे स्कूल में थे. सो ही रन्स अ गुड, वेरी ब्यूटीफुल फिल्म अकाउंट बाय द नेम शार्प शूटर ऑफिशियल. तो उनकी उनकी उनके अकाउंट को फॉलो करता था, उनकी मूवीज देखता था उनके अकाउंट के थ्रू. देन आई गॉट टू नो अनदर अकाउंट कॉल्ड रैमर वॉच. हाय नथिंग बट फिल्म्स, वेरी गुड, आई एम डूइंग वेरी गुड, हाउ यू. तो आई गॉट टू नो रैमर वॉच. Siddharth runs the page, and he was sort of inspiration behind me starting this page.
मेरा मोटिव ये था कि मैं जितनी इंडियन फिल्म्स देखता हूँ, जितनी अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर रेटेड इंडियन फिल्म्स देखता हूँ, उतने लोगों तक पहुंचा सकूं उतना अच्छा. तो दैट वाज द मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस पेज. तो तब से वही कर रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट बिकॉज राइटिंग इज नॉट समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. वो मूड पे है, कभी होता है कभी नहीं होता है. तो महीने में कभी एक बार आता है तो महीने में एक बार पोस्ट आता है, हफ्ते में दो बार आता है तो दो बार आता है. So that's the way it goes. I have not been very consistent, but my love for movies has been very consistent. Movies to main regularly dekh raha hun. So that's how we started. Also, ek saal se zyada ho gaya, I guess. I started the page on 23rd or 24th August 2019. So it's been 1 year. Okay. Aur ek aur baat batao, matlab likhne ka khayal kyun aaya? Matlab acha mere se hi pucha jayega ki video banane ka khayal kyun aaya? Haan, main puchne wala tha. Yeah. बट लिखने का ख्याल क्यों आया? Why to write about? क्योंकि काफी कुछ लिखना पड़ता है यार, बहुत मतलब. नहीं, ऐसा था कि मैंने सोचा वीडियो बनाते, फिर मैं सोचा नहीं यार बड़ा अजीब सा लगेगा. हाय नथिंग बट फिल्म्स, थैंक यू सो मच, योर पेज इज एन इंस्पिरेशन. अरे ही डज अ ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, यू शुड चेक आउट दिस पेज. आई फॉलो ग्रेट 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 एंड इज वेरी कंसिस्टेंट एज वेल. Something I, that is a trait that I envy very much. मेरे से होता नहीं है, ये लोग बहुत regular, बहुत consistent. कोई नहीं, हो जाएगा. All in good time, all in good time. What did you ask? क्यों क्यों भूल जाते हो? हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, मुझे सब याद रहता. पूछा गया. The video तुम लिखते क्यों? हाँ, मेरा video वाला है, मैं लिखने वाला हूँ. मुझे कोई idea नहीं है, because ऐसे बैठा तो लिख दिया मैंने. मुझे वीडियो लगा कि बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, मेरे को लाइव आने में भी बहुत ही ऐसे शर्म सी आ रही थी. मैंने कहा लिखने में कम से कम मुझे अपने आप को दिखाना नहीं पड़ेगा, लोग मुझे देखेंगे नहीं, है ना, ऐसा थोड़ा सा कुछ वो था. सो दैट्स आई थिंक पहली बार मतलब सिनेमा रेवरी को कोई देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो लोग सिर्फ, हां, जो एक बहुत मत फिलॉसफी भी है ना कि तुम्हारा से नाम रहेगा ना तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इट्स नॉट अ ह्यूमन, इट्स अ मशीन दैट इज टर्निंग आउट कंटेंट और उसको फॉलो कर रहे हो. बैटमैन आइकॉन सिंबल है, तो उसको फॉलो करने में ये कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल, नाइस. आपका आपका इंस्पिरेशन क्या था पेज स्टार्ट करने? सो मेरा इंस्पिरेशन लाइव करते रहो, बिल्कुल, थैंक यू, लाइव होते रहेगा, ये हर संडे हम करने की कोशिश करेंगे. तो मेरा मेरा कैच क्या था कि तो कॉलेज में ना, आई एम फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर, तो वहाँ पे एनआईटी है, वो फिल्म का काम, गजब, हाँ सॉरी. तो वहाँ पे फिल्म का बात, फिल्म की बात है, फिल्म का काम, उसमें इन्वॉल्व होते थे, बट कभी भी एक आई थिंक वो ज्वाइन भी किया आकाश. आकाश में तो पूछा था कि मतलब आकाश है, एक अनमोल है, जूनियर्स है मेरे, जूनियर्स कम भाई ज्यादा है. वो लोग बोलते थे कि मतलब सर कब करोगे आप, फिल्म कब बनाओगे या फिल्म ऐसे कब करोगे? बोले भाई जब बनाएंगे ना तो फुल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे. ऐसे करते रहे करते रहे, पता नहीं था कि भाई इंजीनियरिंग के बाद लाइफ कैसी हो जाएगी, वो पता नहीं था. तो जब हो गई तब एक मेरी फ्रेंड है एलिस, उसका बर्थडे है कोइंसिडेंटली, और वो मेरे को बोली कि सुदीप जब तुम फिल्म रिव्यूज करते हो ना तो तुम्हारे आंखें चमक जाती हैं, देयर इज अ लाइट वी सी, लाइक तुम मतलब बिल्कुल एक अलग जोन में चल जाते हो, तुम बिल्कुल समझाने लगते हो, यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. और मेरा वो फिल्म आउटलेट पूरा बंद हो गया था, ऑफिस 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 के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था. इट वॉज जस्ट ऑफिस, फिर थोड़ा फिल्म देखे, फिर ऑफिस, वो एक क्रिएटिविटी वाला खत्म होने लगा था. देन 2018 में, इस साल दो साल हो जाएगा का, तो so, इस साल दो साल हो जाएगा. तो आई स्टार्टेड दिस चैनल अबाश पर, पहले यूट्यूब पे चालू किया. नवंबर 2 को शाहरुख का बर्थडे था, जीरो का ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, पोस्टर का रिव्यू किया, फिर उस पर रिस्पॉन्स आना चालू हुआ, लोगों को अच्छा लगा. ये है, इट इज अ लॉट ऑफ मेहनत आई नो, वीडियो रिव्यू करना, उसको इवॉल्व किया, चेंज किया, एडिट करो, कुछ एट द वन मैन शो, पूरा सब कुछ है, तुम्हारा भी है, सब कुछ खुद से करना, मेहनत है, थकान है, मेहनत बहुत कम है, वीडियो एडिट नहीं, नहीं नहीं भाई, पर लिखना कोई नहीं, हम फिर भी तुमको क्रेडिट दे रहे हैं तो ले लो, धन्यवाद. तो वो करते 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 करते
अभी तो मतलब 2 साल हो गया इन आया है बिन ऑल्सो इनकंसिस्टेंट, मतलब कभी अचानक से कुछ काम आ गया ऑफिस में, या कुछ ऐसा लगा कुछ करना है लाइफ में तो रुक गया भाई एकदम हॉल्ट पे यार। कभी सोशल मीडिया से छुट्टी चाहिए तो बिल्कुल हेलो सुची, सोशल मीडिया छुट्टी चाहिए तो वो कर ली हेलो प्रफुल, हाय भारती थी। तो नहीं बिल्कुल छोड़ दिया 1-2 महीने 3 महीने। पर बात ये होती है ना कि अगर वीडियो नहीं जा रहा ना ऊपर तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, जैसी वीडियो एक अपलोड हो गया उसके बाद रिस्पॉन्स मैसेज आए लाइकवाइज। या नहीं आए आई वॉज सेटिस्फाइड। हाँ वो मतलब वो अलग शांति था। फॉर एग्जाम्पल कल रात क्या हुआ, कल मेरा स्क्रिप्ट रेडी था एंड आई हैड टू एडिट द रिव्यू, बट आई वॉज वेरी टायर्ड एंड आई स्लेप्ट ऑफ एट 12 रात के 12 बजे कल, और 2 बजे मेरी नींद खुल गई और आई थॉट कि आधा एडिट करके छोड़ देंगे संडे को करेंगे क्या दिक्कत है, ऐसे ही मेरा चैनल तो इतना पॉपुलर है नहीं कि कोई देखता है, जो देखेगा दिमाग का साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग कि भाई ऐसे कर लो। बट आई सैट डाउन फ्रॉम 2:30 और 6:30 तक, 4 घंटे लगे, पर मेरा वीडियो अपलोडेड था, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर था, वो काम हो गया, उसके बाद मैंने फोन स्विच ऑफ किया और जाके आराम से सो गया, ठीक है। वो सेटिस्फेक्शन वॉज समथिंग एपिक। और फिर उसके रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स लास्ट वीक कार्गो रिव्यू किया था तो डायरेक्टर थी आराती कदर, वो अप्रिशिएट की भाई बहुत बढ़िया जो था कंटेंट, और कार्गो बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, तो दैट कीप्स मी ड्राइविंग। और एक तरीके से एक मेरा लॉन्ग टर्म एंड गोल है कि कभी हो सके तो फिल्म ही बनाना है, क्योंकि अगर इतना इतना आता है तो इतना एक्सप्रेस भी करना, क्योंकि अंदर भी बहुत सारा कुछ है जो पक रहा है धीमी आंच पे, वो निकलने को तैयार है कभी ना कभी। तो अगर हम फिल्म स्टडी नहीं करेंगे इस तरीके से कि भाई ये सही था ये गलत था, ये ऑडियंस को ये पसंद है ये नहीं पसंद है, तो फिर हम फिल्म बनाएंगे कैसे? तो वो एक इट सर्व्स अ लॉन्गर एंड अ ब्रॉडर पर्पस इन द एंड कि भाई अभी ये रिव्यू कर रहा है लड़का, रिव्यू व्यू छोड़ो व्यू वो हटाओ, बात है कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एडिटिंग को लेके, एडिटिंग में हाथ साफ हो रहा है, पता चल रहा है कि भाई फिल्म कैसे एडिट हुई थी, फिल्म थैंक यू अमित, फिल्म कैसे एडिट हुई थी, कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अभी गुंजन सक्सेना की मूवी का मतलब बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था, उस पे आई हैड टू क्यूरेट माय कंटेंट वेरी अकॉर्डिंगली कि भाई तुम लोग बिल्कुल एजेंडा से हट के कर रहे हो, एंड आई नो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कुछ लोग अच्छा नहीं लगा, पर मेरा वो काम नहीं है, मेरा जो जो मेरे को फील होता है जस्ट पुट इट आउट देयर कि भाई ये लो जैसा पसंद है वो मतलब बताओ। सो दैट इज हाउ आई स्टार्ट। एक और फन टिप, सो बिकॉज यू वुड नॉट हैव नोन माय लॉट ऑफ पीपल नो, सो क्या है कि अबैश परस्यू मेरे नाम का वो है एनाग्राम है, सो सुदीप सौरभ इज माय फुल नेम, उसका तुम एनाग्राम करोगे एग्जांपल ओके 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 हाँ में लॉर्ड लॉर्ड वोल्डे वोल्डेमॉर्ट को मार्वल और डिटेल मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था। हाँ तो वो करोगे तो अबैश पॉटर परस्यू हेड्स बनेगा। यप और तो व्हाई डिड आई चूज दिस नेम, ऐसा कुछ नहीं था, गूगल किया था सुदीप सौरभ का एनाग्राम और वो मिला था, और फिर यू नो इट हिट मी क्योंकि हमारे घरों में हमारे कल्चर में अगर आप फिल्म से थोड़ा सा आर्ट की तरफ ज्यादा जाते हो उसको उतने अच्छी नजर से नहीं देखा जाता जब तक आप साइंस सक्सेसफुल नहीं हो जाते। साइंस पीसीएमसी अगर हाँ अगर आई एम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, मतलब मेरे मम्मी के पापा के साइड से तो पूरा सपोर्ट है, बाकी लोगों पूरा समाज के तौर पे अगर इफ आई बिकम अ रणवीर सिंह देन पीपल लाइक बहुत यार कमाल भाई, मतलब बचपन से ऐसा था, हमने सपोर्ट नहीं किया होता बचपन तो से कहीं ही जाता देखते थे। था। हाँ बचपन से ही ऐसा था हमेशा, फिल्म 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 कमाल का जब बच्चा था देखो उसी बारे बट में बात वो करता तो That is why the name is Abash Pursu, that I'm, it's my guilty pleasure. Hello, Avifa. It's my guilty pleasure of sorts कि भाई ये है and I want to keep it like that, you know, कि कभी 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 अनुपमा चोपड़ा है कभी कोई बात कहो तो उसको भी ऐसे समझाएंगे कि भाई देखो अबास पर्सू नाम दे। So that was the reason why I started the page and I've been having a great time. मतलब सुकून इसी से मिलता है। यार वीडियो हाँ इनफैक्ट आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय सो टाइम ऑन इंस्टाग्राम ऑन नॉट माय पर्सनल पेज बट दिस पेज। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने राइटअप्स भेजते रहते हैं, आप वो पढ़ते जाओ, इतने सारे मूवीज आप डेली डिस्कवर करते हो। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे श्योरली। हाँ क्योंकि इस फील्ड में काफी सारे पेजेस हैं भी, हाँ मतलब नथिंग बट फिल्म्स है और
एंड कंटेंट ज्यादा है और अच्छा ये लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि मूवी अच्छी है. जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स करके एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली. उसका भी रिव्यू नहीं, उसका एक क्विक रिटर्न रिव्यू मैं डाला था. हेलो शाइन. तो उसका एक क्विक रिव्यू मैंने डाला था लिख के कि भाई मूवी, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में उसका हालत खराब हो जाता है कि कुछ जो समझाना था वो बहुत कुछ समझाना था. उसपे मेरा फ्रेंड है अमन, उसके साथ मेरा 1.5 घंटा 2 घंटा रात में डिस्कशन हुआ कि वो मूवी कहना क्या चाह रहा था, क्या कम्युनिकेट हो रहा था, जो उसको क्या कहेंगे ब्रेक करना था या डिमिस्टिफाई करना था कि जॉइनिंग द डॉट्स. पूरा वो 1.5 घंटा चला एंड वी डिडंट माइंड इट एंड आई डोंट माइंड इट. मेरा वो 2 घंटा बर्बाद नहीं हुआ. आई वाज जस्ट यू नो मजा आता है ये करने में एंड दैट इज अमेजिंग राइट. आई मीन दैट इज व्हाट ड्राइव्स यू कि भाई ये 2 घंटे भाई अच्छे गए, भाई गजब बात हुई, कुछ समझ में आया कि भाई चार्ली कॉफमैन तुमको आया ट्रैक दी उसने. चार्ली कॉफमैन इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड का राइटर था वो, और वो कमाल की फिल्म लगी थी. इसीलिए आई सॉ कि भाई ये क्या बनाया और उसका ट्रेलर मेरे को बहुत अच्छा लगा था. तो ऐसा ऐसा होता है क्योंकि तो देन आई कैनॉट मेक अ वीडियो. देन आई एक बार ट्रेन जर्नी भी कर रहे थे तो क्या किया कि लिख दिए कॉकटेल नहीं, इट वॉज एक मिथिला पार्कर की मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, मिथिला पार्कर और अभय देओल. हाँ आई डोंट रिमेम्बर द नेम. तो उसका रिव्यू ट्रेन में ही, और मूवी खत्म हो रही है और आई एम क्राइंग और लोग देख रहे हैं मेरे को, और वो अकेला जर्नी था मेरा और बाकी लोग देख रहे हैं, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ा था. आम बिल्कुल आंसू पोंछ के रिव्यू लिख के मतलब रिटेन में ही करके उसको डाल दिया ऊपर, और फिर जो कमेंट आ रहा है वो देख रहा है भाई तुम्हारा कि भाई क्या है क्या नहीं है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ग्रेट. एनी अदर मूवी दैट यू गाइज वॉन्ट अस टू टॉक अबाउट टूडे recently that you have seen? Cargo के ऊपर, Cargo देखी तुमने? नहीं. Internship. Internship. तो the internship देखो. ये एक major action item देते हैं. The internship नाम है, the intern नाम है. Hello very much. Intern है I guess. Intern है ना वो Google में. बंद करेंगे बाकी. Am I back? Yeah. Okay. So I was power cut. ये होना था ये, मतलब ये नहीं होता तो बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता कि भाई ये हो सकता है तो क्या कैसे करना है, क्या बिहेव करना है. So I mean what else? Any other movie? Cargo तो मैं नहीं देखी. मेरे को देखते हो नहीं देखते वो तो लोग बाद में बात करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम मी विच अदर चैनल डू यू फॉलो ऑन यूट्यूब? ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस. Amazing, jammy. Very good. वहीं से शुरू किया था और आई गेस वही एक पेज है जिसको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ. बाकी तो आते जाते रहते. हाँ, ऐसे मूवी रिव्यूज के कोई पेज स्पेसिफिकली फॉलो नहीं करता मैं, शायद. I'll follow your page. नहीं, और कुछ नहीं. और तो मैं ऐसे ही अपने ऐसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले, हिस्ट्री वाले, वैसे ही पेजेस फॉलो करता हूँ. I follow Jami. I also follow Anupama Chopra, Suchaita Tyagi, or Film Companion ka jo panel hai, usko. And I also try to find who is popular. If I type Google pe ya YouTube pe, Tollywood se jo the sare film review, movie review, to sabse pehle number one pe kaun aa raha hai, bhai? And then I start debunking ki ye kyun number one pe hai. Is it controversial? Is it subjective? Because एक मेरा भाई था है, वो बोला कि मेरे को कि
इंडिया में क्या, दुनिया में सब लोग खुद को क्रिटिक ही समझते हैं, मतलब हाँ तो वो तो है ही, तो क्योंकि बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे और सब पे चल रहा है। मतलब तुमने एंग्री रेंटमैन का रिव्यूज देखा है? हेलो करो नहीं ने? नहीं, देखना देखना काफी एंटरटेनिंग, काफी क्राउड एंगेजिंग है, क्योंकि ही शाउट बिल्कुल, फोन ऐसे हाथ में लेके ही शाउट कि ये अच्छा था, ये खराब था, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत खराब फिल्म, इस तरीके से। तो इट इज वेरी एंगेजिंग फॉर द ऑडियंस कि भाई देखना है, देखना है कि नहीं देखना है, और हंसी भी आती है कभी कभी, तो वैसा भी है। आई ट्राई टू कीप इट मोर इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल, क्योंकि मूवी से आई लर्न अलॉट, तो उसको इंक्लूड करना रिव्यूज में, आई फील कि एक टेक अवे है कि सिर्फ मूवी एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, साथ में कुछ ना कुछ और तुमको मिल रहा है। सो दैट इज द होल पॉइंट। ओके, सो शुड वी रैप इट अप फॉर टुडे? आई या डोंट सी, एनी क्वेश्चंस, आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस फॉर अस। सो दिस वाज द पायलट एपिसोड ऑफ मूवी गपशप, वी या हैव नेम्ड इट सच, मूवी गपशप का पायलट एपिसोड ऑफ सॉर्ट्स है। क्रेडिट्स टू यू. हर संडे विल ट्राई टू कुछ कर लेंगे ना, फिर इंटरव्यू, ऑस्कर पे इंटरव्यू, तो बस बस वापस आओ. तो एवरी वीक विल ट्राई टू टॉक अबाउट सिनेमा, टॉक अबाउट फिल्म दैट वी हैव वॉच, टॉक अबाउट सम आइकॉनिक फिल्म। सो वीकली विल ट्राई टू डू पोल्स, which movie that you want to talk about. Hey, Viti Bala joined. Hey, Amit, thank you again. I want to talk about a lot of films, and I know Thank you, Amit. Thank you. AJ wants to talk about. Hello, Umraz. So still, just keep, we'll keep it open for at least 5 to 10 more minutes. If you want to ask any questions, please do. Which topics would you want to talk about, AJ, next? नेक्स्ट सेशन में आई वांट टू, मेरे पास काफी कुछ है, जस्ट टू लेट यू नो, अच्छा वी कुड डू मूवी स्पेशल्स, लाइक आज कहानी के बात करेंगे, आज गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ आज श्योर श्योर. और अगेन डू अंडररेटेड मूवीज। तुमने सुपर डिलक्स पे किया? अरे आई लव हाँ, तो फहद फासिल वो तो. मूवीज और है, फिर तो एक अलग फहद फासिल स्पेशल एक होना हाँ चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल. सो दैट वी कैन कवर अ लॉट, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है हम लोग का, हेलो सौरभ, बहुत सारी कंटेंट है वो हम रिव्यू में नहीं डाल सकते। या अगेन हेलो सौरभ, बहुत सारा कंटेंट में आई कैन नॉट पुट इन अ रिव्यू, आई कैन नॉट से एवरीथिंग दैट इज आउट देयर, क्योंकि अब तो मेरा भी फेसलेस हो गया रिव्यू, पहले फेस वाला था, फिर देखा कि लोगों को उतना मैं थोपड़ा, सिवाय सिवाय लड़कियों के, बाकी लोगों को मैं थोपड़ा उतना देखना पसंद नहीं है, तो आई बिल्कुल चेंज लॉस्ट. इट टू द, हाय सौरभ, यू आर देयर AJ? हाँ या हाँ, सो आई वाज सेइंग, मेरा एक जोक बिल्कुल फूट गया, पर कोई बात नहीं। तो ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, गैंग्स ऑफ वासेपुर प्लीज, श्योर, श्योर श्योर श्योर. इसके लिए तो हमने तो गैंग्स ऑफ सात आठ बार वासेपुर, देख रखी. तो और पूरा याद भी है बकायदा, हाँ डायलॉग तो जरूर गैंग्स ऑफ पूरे. वासेपुर पे एक एपिसोड, गैंग्स ऑफ वासेपुर पे एक जरूर किया जाएगा। There is one more thing I want, what I was talking about. So, like again, I went from face to faceless because I thought कि लोगों को ठीक है थोड़ा पसंद है पर उतना भी पसंद नहीं है। Let us move on to the faceless version where I can entertain them a lot. क्योंकि again as a filmmaker I have to think कि भाई वो storytelling हो and people are liking this format. It's like Jammy. Parasite one. Okay. So Saurabh is talking about Parasite. बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग, लोग मानते हैं कि ऑस्कर फिल्म मिली है तो वो बहुत गंदी फिल्म है, वो एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं है, उसको ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो पैरासाइट पे हम देर लोग आर एक लॉट थोड़ा ऑफ डिस्कशन एस्पेक्ट्स जरूर करेंगे। दैट वी कैन टॉक अबाउट. बैंगलोर डेज, जी बैंगलोर मैडम. डेज देखा तुमने? बैंगलोर हाँ इन फैक्ट आई सजेस्टेड दिस मूवी टू डेज, रोमा बैंगलोर, मैडम. सो ओके हाँ ओके, सो सो ओके, बैंगलोर डेज, बैंगलोर डेज पे हम लोग रिव्यू करेंगे। चलो. सो वी हैव गॉट, वी हैव गॉट few items, we'll have to break it down कि भाई कैसे करना है, कैसे बातें करनी है। हेलो सत्यम, वेलकम। सो हेलो सत्यम सर. ही इज माय थ्रू ब्रदर आउट इज योर, ब्रदर. अरे अब ओ देखिए अभी ऐसे पूरा ऐसे फैमिली आ जाएगा मेरा इस पे. पूरा, इट्स अ फैमिली, इट्स अ फैमिली या शो,
फैमिली, ये इसका हम लोग का बनाने का मेन पर्पस ही यही था कि जैसे बचपन में संडे को अंताक्षरी एक होती थी शाम में, तो उस तरीके का रात का 10 बजे 9 बजे हम लोग टाइम बता देंगे और टाइम को फॉलो करेंगे हाँ, नेक्स्ट टाइम हम पे, एक बकायदा एक कि पोस्टर एक जारी इस करेंगे स्लॉट उसमें में हम सब कुछ बताएंगे। कि 1 घंटे हम लोग बैठ रहे हैं और ये सब पे बातें होंगी, प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज पुट फॉरवर्ड योर थॉट्स, और वो हम लोग 1 घंटा बैठ के हम लोग सेट करेंगे, बट एक प्रॉपर टाइमिंग रखेंगे इसका। ओके, सो वीकली पूरा परिवार आएगा अरे वी कैन तो अच्छा ही है ना, मतलब हाँ, हम बिल्कुल मैथिली में कर सकते हैं। मैथिली में आप स्टार्ट वो करिए, फिर आप देखिए ऐसे ऐसे आएगा हमारा पूरा। मैं सिर्फ ठीक छह बोला जाएगा, उसके आगे मैं तो मैथिली एक्सपेक्ट मत कर, फिर यस आहा ऐसे रिस्पॉन्स, हेलो रोली। तो बस मैथिली मैथिली में बाकी हिंदी पूरा समझने को पूरा आता है बोलने में, ठीक है की हमारे करे छे, बस ओके मेरा मैथिली खत्म हो गया, तेरा कोटा खत्म। तो दैट इज ऑल, रिव्यू द मूवी डब्बे, इट्स अ टर्क डब, आई एम सॉरी फॉर नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट डब डब्बे, ओके Are you डब्बे, इट्स making अ note of टर्क all इज those movies? और यस आई एम मेकिंग नोट बिकॉज ये चैट गायब होने वाला है, सुदीप द वी विल सेवियर। पुट इट आउट देयर, हाँ, या सो भाई विक्की वाला की तो सही है ब्रदर, ही हेलो टोल्ड मी गेट ओवर, ब्लॉकबस्टर्स, हेलो विनी ब्लॉकबस्टर, नाइस, इट्स अ वेरी बैड एस नेम। सो मस्त वाला सा कैची है एकदम। सो आई एम मेकिंग नोट ऑफ दीज मूवीज एंड आई विल बी गोइंग, हैव यू सीन कुंभलगी, आई आई हाँ जस्ट सॉ विनीत हाय देसाई, आई जस्ट आयुष, सॉ कुंभलगी नाइट हाँ देखी आई विल सेंड यू राइट अप कुंभलगन नाइट। फाद फादर, या फाद फासिल, ओके एंड फादर, आल्सो आई आई एम लव सॉरी सोबिन भाई। शाहिद, द वन हु प्लेस साजी, द एल्डेस्ट ब्रदर। या हाँ, साजी वाज अमेजिंग, साजी वाज वेरी गुड, अमेजिंग, माय फेवरेट परफॉर्मेंस वो फ्रॉम हिम। देखो कुछ दिन पहले आई वाज मतलब, सो विनीत हैड सेंट मी दिस बिग स्पीकर एज अ गिफ्ट, सो आई हैड सेट इट अप, और उस पे वो जो बोट वाला गाना नहीं है तेरा तो, नहीं, ये गलत नहीं होना गाना नहीं, चाहिए नहीं वही वही गाना, हाँ वो गाना प्रॉपर बजा के, वो गाना, और फिर वो वाला जो जो रोमांटिक गाना था, दो दो कैरेक्टर्स हुए हैं वो लोग एक आइलैंड पे जाते, दैट वाज हेलो आशुतोष। सो वील डू, वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट मैन, सो एक हाँ बट यही है, होल मैसेजिंग इज सिंपल, हर संडे को शाम में चाय कॉफी लेकर, या जिस तरह भी हम लोग बशर्ते 11 बजे रात में ये शो नहीं कर रहे हैं, तो शाम उस में टाइम ही पे लोग करेंगे। चाय कॉफी लेकर बैठ जाते हैं, शाम में बैठते हैं बातें करते हैं सिनेमा की फिल्म की, क्योंकि बहुत सारी फिल्में लोग मिस कर देते हैं, हेलो आशुतोष, बहुत सारी फिल्में लोग मिस कर रहे हैं, वी डोंट वॉन्ट यू टू मिस गुड सिनेमा, क्योंकि गुड सिनेमा इक्वेट्स टू गुड लाइफ, ओहो अच्छी फिल्में देखो अच्छी लाइफ जियो। आस्क एजे टू सिंग इन सम लाइफ, ओके देखो भाई तेरा ये नाम पॉपुलर हो हाँ, गया है, चलाते एज चल जे चलाते चले एज हिंदी दी। जे अरे एज जे, कौन कौन सा गाना गाना है भाई देखो। ऐसे ऐसे हवा में आता रहता है सब। एक क्वेश्चन डालेंगे सॉन्ग सजेशन फॉर एजे टू सिंग नेक्स्ट वाले ओहो में, तो एंड एंड उस एपिसोड का एंड एजे के गाने से होगा, ये अब हो डिसाइड हो गया। देखो भाई हम लोग को पब्लिक को केटर करना है, जो लोग मांग रहे हैं उनको देना होगा, हाँ, अरे बिकॉज फेंके जा रहे हैं तुम लोग, डिमांड इज रुकते सप्लाई। जाओ। बिल्कुल अभी बस मेरे वाले तैयार हो रहे होंगे कुछ की, रुको हाँ, इससे भी गाना गवाते हैं। रिश्ता गाना गाना हाँ गाना तो डालेंगे, शुड वी रैप इट अप, एवरीथिंग आई थिंक क्लोज टू, नॉट क्लोज 1 आवर बट 45 मिनट्स तक या हम लोगों ने काफी बातचीत की, काफी यप अच्छा लगा बात करके, हो गया यार, मेरे को तो लग रहा था थैंक क्या यू ही हो सो जाएगा। मच फॉर पहला एपिसोड पता नहीं कि क्रिएटिव कॉन्सेप्ट भी का, मेरे को आपका पता, देखो तो ही था इतना पता नहीं था कि भाई लोग मतलब दो लोग से ज्यादा हो सकते हैं या नहीं, देखो तो इतना टेक्निकली हैंडीकैप आई वाज अरे फॉर नहीं दिस नहीं सेशन कि मैं भाई सेम सेम, मेरी हालत भी सेम है, बहुत बुरी है, बट तो, ठीक है, हो जाएगा। और ये फायर कट हो गया मेरा रिव्यू ऑफ जैज, वन ऑफ द लेटेस्ट स्कोरिंग मूवीज आई हैव सीन, ये नेटफ्लिक्स पे है, यप, अच्छा ये सो इन्हीं साहब की है, देखूंगा, बोंग जून हु की है, बोंग जून हु, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट। ओ हाँ पैरासाइट वाले, हाँ, पैरासाइट वाले से।
Parasite वाले, तो we could pair Okja and Parasite together when we are reviewing. या श्योर So maybe what we can do is we can हम लोग प्लान करते हैं, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आ गए हैं और काफी तगड़ा लाइनअप है है ना, हमारे पास. प्लान करके हम लोग सेट कर सकते हैं कि भाई हेलो कैरल, दैट वी कुड सेट अप दैट ओके टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस, प्लीज जॉइन अस. टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस, प्लीज जॉइन अस, एंड इट विल बी लॉट ऑफ फन. क्योंकि मुझे बात करना पसंद है और जो लोग हम लोग दोनों को बात करना पसंद है, बहुत बहुत एंड जो लोग सुनते हैं उन लोग को सुनना पसंद है कि हम लोग को हमारा वो पागल फ्रेंड भी शायद है यू नो फिल्म के बारे में बात करना. नहीं नहीं हाँ, बोलो, रीइन्फोर्स द फैक्ट. है ना, सामने से बोल देंगे पसंद है तुम्हें। सामने से बोल रहे. कूल, या रैप अप करें आज. जी थैंक यू एजे, थैंक यू पीपल हु जॉइन, थैंक यू सुदीप, वेलकम टू द फर्स्ट पायलट एपिसोड ऑफ मूवी गपशप. थैंक यू, वी विल ensure that it remains entertaining, and hello Ayush, we'll take some suggestions, so we'll try our best to talk about those films as well. कुछ एक दो एपिसोड्स ऐसे सिर्फ फेवरेट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हाँ एक्टिंग इज व्हाट वो आई एटलीस्ट प्राइमरीली बहुत फोकस ऑन इन हमारे मूवीज, मेरा ध्यान वहीं रहता है, पास. आई मिस आउट ऑन बैकग्राउंड स्कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो Who is your favorite actor? बहुत सारे वैसे तो, बट इफ यू टॉक अबाउट हॉलीवुड देन अल पचिनो, आई लाइक डैनियल डे लुइस, आई लव डैनियल, वकीन फिनिक्स इज गुड, बहुत सारे हैं, कितने, रॉबर्ट डी नीरो है, जैक निकल्सन है। तुमने प्रेजेंटेशन नहीं कर दिया तो फिर अब आगे बात ही क्या करना. देन आई लाइक ब्रांडो, मार्लन ब्रांडो इज वेरी गुड, मार्लन ब्रांडो भाई, ब्रांडो ऐसे नहीं भाई, अपना ऐसे थोड़ी बड़े लॉर्ड ऑन द नहीं, काफी बड़े आदमी है इंडियन सिनेमा में। फहद फासिल अनडाउटेडली, इरफान खान साहब, तो इरफान खान साहब इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो नसीरुद्दीन शाह, जस्टिस परफॉर्मेंसेस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, नॉट पर्सनल ओपिनियंस, पॉलिटिकल 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 नहीं यार, पॉलिटिकल ओपिनियंस में आएंगे तो पसंद तो मेरे को कोई भी ऐसे यार। अच्छा फेवरेट सिंगर कौन है देखो, अभी मैं सोनू निगम बोलूंगा ये लोग गभी से शुरू हो जाएंगे, सोनू निगम करके। हाँ तो सोनू निगम इज माय फेवरेट सिंगर, नेक्स्ट बार में सूरज व मध्यम से हम लोग शुरू करेंगे। अरे बाप रे बाप, एकदम खतरनाक गाने के बाद। हेलो सुहास, सो ओके हाँ एक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, या लेट अस टेक इट टू 11, 11 पे रैप कर देंगे, 46 ओके। तो मैं नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, देन शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, आई फील वेरी बैड कि स्मिता पाटिल सो यंग, एंड देन देयर इज आदिल हुसैन, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मतलब शुभम, मेरे पेजेस पे जितने एक्टर्स के बारे में लिखा है मैंने सारे, स्पेशल मेंशन फॉर शेफाली शाह, आई लव हर परफॉर्मेंसेस इन ऑल ऑफ द मूवीज, बहुत बहुत यश का फैन हमें इधर, सुहास आई एम देयर फॉर यू, यश ना एंड टिपिकल केजीएफ, यश जो बोलते हैं कि हिंदी में देखो, हिंदी में देखो, मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है, आई जस्ट आस्क देम टू लीव द रूम, आई वाज इन, मैं हम हिंदी में देखेंगे, मैं कनाडा में, अभी अभी कैंसिल, अभी कैंसिल, लाइव कैंसिल, अभी कैंसिल, लाइव कैंसिल, रुको रुको, नहीं नहीं अरे नहीं, कनाडा ही देखो, सबटाइटल के साथ देखो, अरे डब में ये लोग, दे डोंट डू जस्टिस टू डबिंग, डबिंग पे भी हम एक एपिसोड कर सकते हैं, डबिंग से तो मेरे इतना दुश्मनी कि मैं क्या ही बताऊं। ओह बट हाय गोविंद, आई इवन आई एम स्टंड, आई एम स्टंड, एल पचिनो स्पेशल, यस यस एल पचिनो स्पेशल, एंड ही सेड टू डू अ, थैंक यू सुहास, एंड ही सेड टू डू दिस गॉडफादर ट्रिलॉजी, कब देखिए तुमने गॉडफादर ट्रिलॉजी देखी होगी, अब एलन ब्रांडो बोल रहे हो भाई, एल पचिनो बोला पहले तो, एल पचिनो मतलब व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग हॉलीवुड फिल्म्स तो मैंने पहले पहले शायद हीट या स्कारफेस में से कुछ एक देखी थी, आई गेस इट वाज हीट, तो वो थोड़ा ओवर द टॉप एंटिक के साथ जो एल पचिनो का परफॉर्मेंस था, और उधर इतना ही सटल परफॉर्मेंस रॉबर्ट डी नीरो का टू बैलेंस इट आउट, एंड अ फन फैक्ट कि
आई थॉट ऑल दोज इयर्स की वैल किल्मर प्लेड द रोल ऑफ जोकर इन द डार्क नाइट बिकॉज वैल किल्मर एंड हीट लेजर लुक वेरी सिमिलर. तुम्हें लगता है ये वही तो बंदा है यार, इतना जवान थोड़ी होगा. देन आई गॉट टू नो व्हाट हिज ट्रेजिक स्टोरी, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. तो एल पचीनो से स्टार्ट किया तो जुड़वा टू भी देखी है. महादेव नहीं नहीं दूर से प्रणाम है. तो हाँ देन आई स्टार्टेड विद एल पचीनो फिल्मोग्राफी. तो मैंने या स्कारफेस इज गुड, हाय माय रियल क्राफ्ट, हेलो से हेलो टू माय लिल गर्ल. हु इज टोनी? टोनी मोंटाना इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्कारफेस. एजी हिट फॉर इंडिया. आई डोंट थिंक सो. नो आई डोंट हेट एनीवन, इट्स अ वेरी नेगेटिव टर्म. It's just that I don't appreciate those performances. मतलब तुम कहीं आर्टसी मूवी देख रहे हो, कहीं ऐसे ऐसी मूवीज देख रहे हो, फिर तुमको अचानक से मेहतर है जो कोई दिखा दे तो मूड घूम जाता. That's very interesting dynamic. October देखा कि नहीं तुमने? नहीं नहीं. In fact, I wanted to watch it. Shujit Sarkar film. I didn't want to miss it, but अभी तक तो नहीं देखी. October का एक fun fact बताते हैं. Bangalore में देखे थे वो बेलंदूर ब्रिज के पास जो मॉल है ना उसमें, ठीक है, घूमा नहीं उस कोई बात नहीं, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं. तो वहाँ पे यू नो द ऑडियंस वाज सो मच्योर विद अक्टूबर. मैं तो एक्सपेक्ट था कि बोरिंग ऑडियंस होगी, बहुत मतलब डल होगा. और बिकॉज आई हैव बीन टू मूवीज वेयर आई हैव बीन लाइक पांच लोग हैं हॉल में, उसमें एक अपन बैठे हुए भाई, पूरा माहौल है. बट पैक था अक्टूबर में और लोग जेन्युइनली हंस रहे थे. जो डार्क कॉमेडी या जो भी हो रही थी उसमें लोग जेन्युइनली वो हल्का सा भी लाफ्टर आ रहा था. और मेरे को वो मैच्योरिटी फील हो रहा था रूम में कि भाई यहाँ लोग जो है कुछ थोड़ा सेंसिबल है कि भाई यहाँ ऊपर कंटेंट चल रहा है. मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसे? अक्टूबर होगा, अक्टूबर देखो. लेकिन मैंने वैसे एक ही बार हुआ है भाई, उसके बाद नहीं हुआ. मैं थिएटर मूवीज भी तो ऐसी देखी, गली बॉय देखी है, बोल बच्चन टाइप मूवीज देखोगे तो उसमें क्राउड भी वैसा ही आता है. सलमान खान की मूवीज देखता था पहले तो. तुमने ये देखी है, तुम बोले हम लोग बात करते अक्टूबर की. अक्टूबर तुमने सैफ की मूवी आई थी लास्ट ईयर वेर ही वाज लाल कप्तान. नहीं लाल कप्तान मैंने नहीं देखी. लाल कप्तान नहीं, इट वाज अ प्रीटी लॉन्ग फिल्म. तो मैंने कहा कि थोड़ा छोड़ देते, थोड़ा आगे कर देते, मेरे को देखनी थी. उसके रिव्यू लाल कप्तान देखो. हाँ. लाल कप्तान मेरे को बहुत बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए. वो पर्टिकुलरली इंट्रिग्ड बाय दीपक डोबरियाल कैरेक्टर. वो ट्रेलर के सिर्फ 4-5 सेकंड वाज इनफ टू यू नो पुल मी देयर. हेलो जीविता, द मेन इशू इज कि जहां मैं देहरादून में रहता हूँ, इट्स एन आउटर पार्ट ऑफ देहरादून. सो वहां से मुझे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है थिएटर, नियरेस्ट थिएटर. तो अब तुम और वहां का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही वीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत ही वीक है. एंड आई डोंट ओन अ बाइक देयर. तो बड़ा खत्म आ रहा था वहां से. तुम एक मूवी देखने के लिए उतना दूर जाओ आओ, तुम्हारा संडे ही खत्म हो जाएगा. तो हम किसी प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार करते हैं. ये नहीं, ये है अवेलेबल है, ये Amazon पे अवेलेबल है, शायद Prime पे अवेलेबल है. सो यू कैन वॉच लाल कप्तान. ये मेरे को बहुत पसंद आया था. मतलब मेरा फिलोसफिकल था, आई हैव इंग्लिश में लगा सकते ना, ही हैड अ फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड. तो मेरा वही एंगल है, आई हैव अ फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड. और लाल कप्तान बिल्कुल उसी एरिया में था और बहुत सैफ वैफ कहानी, बिल्कुल अलग दुनिया, अलग समय. रिव्यू अगर सोचे तो कभी रिव्यू भी चेक करना, रिव्यू भी किया था. ओह बिल्कुल बिल्कुल. हाँ सुना सुना लग रहा है, सुना लग रहा है. व्हाट वाज योर फेवरेट फिल्म फ्रॉम लास्ट ईयर? लास्ट ईयर आमिश देखिए. आमिश आमिश एक बहुत, आमिश के अलावा भी आमिश करके मूवी आई थी. हाँ आमिश आमिश हाँ अच्छा वापस ये नहीं पता नहीं था ना गूगल में आमिश एक अच्छी लगती. और एक 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 और मूवी अब हमको याद नहीं आ रहा. तुमको एग्जांपल दे तेरा फेवरेट क्या क्या है तो आई कैन. कबीर सिंह नहीं भाई, कबीर सिंह ओरिजिनल देखो. नहीं अर्जुन रेड्डी इज ओके. हाँ पर वो मैसेजिंग वाला प्रॉब्लम, वो सुचारिता त्यागी वाला, आई गेट दोस थिंग्स. तो वो तो ठीक है यार, वो तो बस आर्ट है. तुम्हारा फेवरेट मूवी क्या था लास्ट ईयर का? तो लिस्ट दे मेरे को, तो हम बता सकते कि मेरा लास्ट ईयर का
हमको याद नहीं होता कि यार कौन सी मेरे मूवी को भी याद नहीं रिलीज रहता हुई। मुझे। आई लाइक फोर्ड वर्सेस फरारी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी। बहुत भाई बहुत अच्छी, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट बहुत अच्छी फिल्म थी, आई बहुत डिडंट भाई। एक्सपेक्ट जेम्स मैनगोल्ड टू डिलीवर सच अ गुड फिल्म। मेरे को लग रहा था कि ठीक है फिर से कुछ वैसा ही होगा यूजुअल। रश रश भी अच्छी थी, पर मुझे लगा रश के टाइप का कुछ होगा, बट देन दिस वाज नहीं समथिंग नहीं नहीं डिफरेंट लेवल। रश रश वाज समथिंग एल्स यार। रश रश वाज आल्सो वेरी के गुड यार। कोट्स, रश के कोट्स आई यूज इन माय लाइफ कि भाई वो इतना सही फिल्म है था ना वो फिल्म। डीओपी ऑलमोस्ट प्लेस द कैमरा रश, वेर एवर ही कुड गेट इट्स हैंड्स, हाँ जहां जहां हाथ पहुंचा हैंड, जहां हाँ वहां वहां कैमरा डाला बंदे ने। दैट वाज अ फन वो एक्सपीरियंस। रोड ट्रैक पे, मेरे को पता नहीं कैसे किया होगा, रोड ट्रैक पे जहाँ कार हाँ कुछ वो यार ड्रिफ्ट मार रहा है वहां पे कैमरा है। द स्टोरी वाज वेरी इंट्रीगिंग। ये सब रियल रियल स्टोरीज हैं। मेरा एक फ्रेंड है वाज वेरी आई इंटरेस्टेड डोंट नो, इनटू इन F1, सो ही टोल्ड मी कि दीज आर रियल स्टोरीज एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट दोस रियल स्टोरीज। तो बहुत अच्छी है हैव यू सीन दिस, तुम बार बार बुला दे रहे हो, नाइव्स आउट, हाँ, नाइव्स आउट नाइव्स आउट देखी तुमने? वाज अ वेरी फन फिल्म। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मजा आया। बहुत देवा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ऐसा है ना, मैंने एक भी अरे जेम्स यार बॉन्ड मैं मूवी नहीं देखी है, सो आई हैव नेवर सीन डैनियल क्रेग ऑन ऑन स्क्रीन। तो सेम गोज विद द मिशन तब तो इम्पॉसिबल वो फ्रेंचाइज। अंतर, मतलब जो भी ऐसे हेलो यार, हाइप्ड अप चीजें हैं वो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिस की हुई हैं। जैसे इंडियाना जोन्स नहीं देखी है, स्टार वॉर्स नहीं देखी है, तो ऐसे हाइप्ड अप चीजें भले ही अच्छी हो पर हमेशा मैं मिस कर देता हूँ उन हाँ चीजों को। सो आई हैड नेवर सीन डैनियल क्रेग, ओके, पर मुझे पता था कि वैसे स्टोन फेस ऐसा सिर्फ एक्शन बेस्ड एक्शन पैक मूवीज होंगी, बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार थी थोड़ी, एंड द कास्ट वाज वेरी तो द गुड। फैक्ट वाज द कास्ट वाज वेरी गुड, द फैक्ट वाज तुम पे वो एक्चुअल राक्षसी सिनेमा की तरह है, बट बहुत अंतर है दोनों अंतर में, बहुत है क्योंकि ये। रात अकेली ना, रात अकेली बहुत पहले बन गई थी, नाइट आउट उसके अरे बाद बहुत ही डाला, प्रिमिटिव तो लेवल पे वो अंतर है। सिमिलैरिटीज है उतना। हाँ वो कि एक घर यप वाले बात है, एक राजघराना और ये इसमें एंड ऑल मैसेजिंग बहुत ही ज्यादा है रात दैट, के लिए, ये अलग लेवल थोड़ा चला है। और वो थ्रिलर से हट गया रात अकेली मेरे हाँ ख्याल से, वो एक कट टू कट थ्रिलर नहीं रहा कि कौन मारा है वो ढूंढ के बताओ, वो बात वहां तक रुकी नहीं, वो बिल्कुल महेश भट्ट वाला एंगल वो चले गया कि एक अपने मर्डर वहां पे चले गया। इसका भी एक बहुत एक अच्छा, मेरे दोस्त से बात हो रहा था रात अकेली है कि कोई नाइस रोड के बारे में तुमको एक बात बताना है, वो बताएंगे, पहले रात अकेली के बारे में बताते हैं। रात अकेली है, हम बोले कि अगर राधिका आप्टे का कैरेक्टर का नाम निशा होता ना, निशा, तो हाय स्टूडियो फ्लायर फायर फ्लाई गुरदत्तर पाजी इज अ हेलो वेरी गुड फ्रेंड सर, ऑफ माइन, ग्रेट ग्रेट अकाउंट हेलो सर, लॉयर है, तारीफ करो, तो आई केस वाज रेज कर सेइंग, देंगे। तो आई वाज सेइंग कि रात अकेली है मैं, अगर राधिका आप्टे का कैरेक्टर का नाम निशा होता ना, निशा, तो ये फिल्म एक अलग लेवल पे बहुत सेंस करती, क्योंकि उस, तुम देखे हो कि नहीं पहले फिल्म, हाँ ये बताओ मेरे देखिए को, देखा देखिए ही होगा। देखिए। हाँ तो उसमें इफ यू सी वो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो गई थी रात अकेली है, मतलब जैसा नाम था मेरे, मैं जाना था कि वो कट टू कट थ्रिलर होगा, वो कट टू कट थ्रिलर रहा नहीं, वो पूरे कॉर्नर हो गई, नवाज साथ आया तो फिर उसका कहानी रिवील हुआ, सब कुछ हुआ जो भी हुआ, और उसका नाम निशा रहता तो निशा मतलब रात, रात अकेली है, वो एक सिंपॉलिक या किड भी होता है बाद में, तो वो बाद में सबको वो ये प्लस मतलब नवाज राइडिंग है रॉयल एनफील्ड इज वेरी अजीब सा, बड़ा अजीब छोटा सा अजीब पतला सा आदमी सा, है, वो बुलेट पे बैठता है तो वो स्वैग कैरी नहीं कर पाता है। नहीं बट मूवी अच्छी बनी थी सर, हाँ मूवी वाज नॉट बैड, चाहे या कुछ भी गुड हो, गुड रात गुड, अकेली वाज इट वाज नॉट वेरी बैड। गुड फिल्म। नाइट आउट के बारे में, एक नाइट आउट के बारे में एक बात बताएंगे, तुम अगर नहीं देखो ना डैनियल क्रेग का जेम्स बॉन्ड, तो तुम एक एक्सपीरियंस मिस कर दियो, क्यों? क्योंकि हम लोग जब देखना चालू किए थे ना नाइट आउट, तो हमारे दम में था कि भाई डैनियल क्रेग बिल्कुल जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड आके हाय योगेश, जेम्स बॉन्ड आके बात करने वाला है, और जब वो बोलना चालू किया और वो एक्सेंट में बोला, वी वर ब्लोन अवे कि भाई साहब ये कैसे कर रहा है। एंड मेरे को परफॉर्मेंस वो अच्छा लगता है ना, कि वो परफॉर्मेंस देख के अगर मेरा मन करे ना ऐसा एक्ट करने का, आई वांट टू टॉक लाइक दैट, आई वांट टू रियली लिसन टू मी, तो क्योंकि वो उस तरीके से, हेलो पलक, पलक इज अ वेरी क्लोज बडी, क्लोज हे फ्रेंड माइन, पलक, सो ही नाइस बोलता है। मीटिंग यू। सो ओके, सो देयर इज अ टाइमर अप, तुम्हारा टाइमर दिखाई दे रहा है, नो ओके, आई थिंक देयर टाइम, लग बड़े लोग लाइव वीडियो करने लगे, हे भगवान, टिपिकल बड़े लोगों को प्रणाम हो रहा है।
है ना. टिपिकल टिपिकल बड़े लोगों को प्रणाम आ रहा है, प्रणाम प्रणाम. नहीं तो एक्चुअली आई थिंक वो 1 आवर का लिमिटेशन है कुछ ऐसा, बिकॉज आई थिंक वो चढ़ गया, आई हाँ थिंक चढ़ गया मतलब अपलोड हो गया वीडियो, सो द ओके थिंग ओके इज हो आउट देयर, आई हैव टैग्ड सकते यू नो. हैं जी. सो लाइक आई वाज टॉकिंग, द वो एक्सेंट, वो अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना तो मूवी देखने के बाद मन करता है यार ऐसे बिहेव करो, क्योंकि व्हेन आई वाज डन आई वाज थिंकिंग कैन आई टॉक लाइक दैट, कैन आई टॉक पोस्चर द एटीट्यूड, और बिल्कुल बकायदा सॉल्व कर रहा था. सो रियली लव्ड डैनियल क्रेग, और वो जेम्स बॉन्ड वाला चीज से बिल्कुल अलग था, हिज जेम्स बॉन्ड थिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ऐसा लग नहीं रहा था डैनियल क्रेग है यार. दैट वाज हाँ, द तो डू यू बिगेस्ट. सजेस्ट हेलो शिव शंकर, हेलो शिव, हेलो महादेव भी बताइए आए. हाँ बोलो. डू जेम्स यू बॉन्ड. सजेस्ट, डू यू सजेस्ट व्हाट, जेम्स बॉन्ड? यस, फुर्सत है वो देखो, नो टाइम टू डाई आ ही रहा है, और जैसा दुनिया हाँ चल रही है, हेलो राम मैम, जैसा दुनिया चल रही है एक्चुअली में पीपल हैव नो टाइम टू डाई. सो अच्छा, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन, ओके ओके बोलिए, आई वाज हैविंग अ चूज बिटवीन मिशन इम्पॉसिबल एंड जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज, विच वन शुड आई वॉच फर्स्ट? व्हिच वन शुड यू वॉच फर्स्ट, व्हिच वन शुड यू वॉच फर्स्ट, दैट्स अ टफ वन. आई वुड से वॉच एम आई फर्स्ट, क्यों? क्योंकि वो कम है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम उसको निपटा अच्छा सकते हो, कितने हैं? क्योंकि एम आई में आई थिंक 6 या 7 हैं, आई थिंक 6 हैं, एम आई 5 या छह 6 कम हैं, आई है थिंक ज़्यादा हैं भाई. इसमें 23 हैं, 23-24 फिल्म बन चुकी हैं जेम्स बॉन्ड नहीं, का मैं सिर्फ फ्रेंचाइज, डैनियल सिर्फ क्रेग का डैनियल बोल क्रेग रहा के. हूँ. नहीं, सिर्फ डैनियल क्रेग का, तभी भी आई विल से गो फॉर एम आई, क्योंकि ओके एम आई में वो टॉम क्रूज, टिंग 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 टिंग. ओके. मैंने टॉम क्रूज की भी शायद ही कोई मूवी देखी है. नहीं नहीं देखी है. नहीं देखिए, देखो यार, छह है, छह है, गुड, थैंक्स छह, थैंक्स, ओके, आई एम स्टंड, थैंक यू आई एम नॉट शिवम. स्टंड. ओके, आज के लिए रैप अप करें. आई एम थिंकिंग वी हैव डन जस्टिस to this 1 hour, and I had a है great ना? time. Hey, या I'm great. लाइकवाइज. वो उसकी बात कर रहा है यार, टॉप गन, टॉप गन की हाँ, बात कर रहा है, टॉप गन टॉप गन मेमोरी की किया. बात मैंने कर रहा टॉप गन पहली बारी भी नहीं देखी. सी द प्रॉब्लम इज, मैं मूवीज के बारे में अगर पता करना है तो गूगल करो, गूगल करोगे तो हाय गुड देता सर. फिर है. से तो रॉटन टोमेटोज रेटिंग देखता हूँ. रॉटन टोमेटोज रेटिंग हाँ 60-70 के बीच में तो अरे, एल एल सेंड यू द पिक्चर. गुरदत्ता हाँ पाजी सेंट मी अ वेरी वियर्ड, वेरी क्रिंजी शॉन कॉनरी फोटो, वो भी रात हाँ में. ही सेड कि तुम सो नहीं पाओगे अब. एंड आई लिटरली अच्छा केप्ट थिंकिंग अबाउट दैट फोटो. बहुत ही बकवास इतनी वाहियात फोटो भेजी थी. एंड ही इज शॉन सिंगल कॉनरी कॉनरी की. हैंडेडली हाँ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मी सच क्रिंजी स्टफ. मतलब जहां कहीं से कुछ भी खराब मिल जाए तो मेरे को पहले भेज देते हैं. तो अच्छा हाँ, अरे सो आई फ्रॉम आफ्टर डिनर या अच्छा हाँ, मेरा अभी हुआ नहीं, मेरा डिनर होने देना. अच्छा नहीं, मैं पहले भेज दूंगा. या तो श्योर वही मैं बता रहा था कि रॉटन टोमेटो स्कोर के हिसाब से चलता हूँ मैं. जब तक लोगों से पूछूं लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे अच्छा रॉटन टोमेटो स्कोर देखो. 80 के ऊपर है तो यू कैन गो विद इट. मेरा तो बिल्कुल उल्टा है. मेरा 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 एक वो एक मेरे को एक एक फिल्म बुलाती है कि देखो, वॉच मी, देन आई गो एंड वॉच की भाई देखो, अरे क्योंकि अच्छा देखो जेम्स बॉन्ड का जो मूवी था ना, वो सब हम लोग बचपन में स्टार गोल्ड स्टार मूवीज पे ज्यादा था वो सब देखो. मेरा मेरा तो भाई फेवरेट पीएस ब्रॉसनन ही है. मेरे दिमाग में जेम्स बॉन्ड मतलब पीएस ब्रॉसनन, उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं. हेलो रत्नम सर, सो अभी डैनियल क्रेग का देख रहे भाई, क्या क्रेज है, क्या मस्त है. और अभी मतलब हल्ला भी था सॉर्ट ऑफ, कि जब टेनेट नहीं बना था तब हल्ला था कि नोलन बनाएगा जेम्स नो बॉन्ड टाइम टू डाई. 25, और हाँ, और उसमें डैनियल क्रेग रहेगा, तो मैं और एक्साइटेड बढ़ गया भाई, नोलन दिस आ रहा इज है इसमें. सपोज्ड टू बी द लास्ट डैनियल क्रेग स्टारर हाँ, जेम्स और बॉन्ड बहुत है ना, पैसा भी लिया है, बहुत पैसा है भी ना? लिया है उसके लिए, वो यही जैपनीज लेके जाए लोग सौरभ, कुछ. हाँ, सौरभ तो इतना तुम्हारे तरफ से इतना कंटेंट मिल रहा है ना, टिमिथी सौरभ इज डेल्टन. अमेजिंग. ओके, टिमिथी डेल्टन हाँ का जेम्स बॉन्ड भी लिस्ट पे.
जेम्स बॉन्ड एक बचपन वाला एक्सपीरियंस ही, ऐसा है कुछ नहीं कि 25 मूवी बैठ के नहीं देखें। प्रांशु है फ्रेंड है, वो 25 मूवी बैठ के देखा है बकायदा, 24-25 मूवी जितने भी एक स्ट्रेच में टू गेट अ ड्रिफ्ट ऑफ जेम्स बॉन्ड। सो पता नहीं बचपन में हमारे पास तो हैरी पॉटर ही पहुंच पाया था, वो भी हिंदी में। ये स्टार मूवीज तो आता ही नहीं था, पहले केबल होते थे, केबल टीवी आते थे एंटीना वाले, तो तब तो ऐसे चैनल आते नहीं थे। केबल टीवी पे भी तो ना, केबल टीवी पे भी तो हिंदी मतलब जो भी रिसेंटली मूवी आई वो हिंदी मतलब आ रही है, इसमें ऐड आ रहा है वो चलता था। पोगो पे, हां आई वाज अ टिपिकल WWE फैन, तो अभी भी हूँ प्रो रेसलिंग फैन, प्रॉपर प्रो रेसलिंग फैन हूँ बचपन LKG से, उतने सालों से आई बीन फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली। अभी भी हर वीक के सारे शोज देखता हूँ मैं, AEW और WWE NXT सबके, तो मैं हमेशा से उसी में प्रॉपर की उसका हाईलाइट, क्योंकि अभी तो हाईलाइट ही देखता हूँ फिलहाल। हाँ हाईलाइट ही देखता हूँ, बट ये कन्फेस करना पड़ेगा, नहीं नहीं कन्फेस करना पड़ेगा, बट आई कीप अप विद हर वीक विदाउट फेल। इट वाज द बेस्ट थिंग पोगो एवर डिड फॉर इंडियन किड्स, है ना, पितृदेव संरक्षणम छू मंत्र के लिए, अरे मगलू छू मंत्र मगलू मगलू, अरे बाप रे, मैं दिस वाज अ मंथ अगो और टू आई वॉच्ड द होल हैरी पॉटर सीरीज इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। आई रीड द बुक्स इन इंग्लिश पहले तो, लेकिन उससे पहले सिर्फ हिंदी में ही देखी थी। सौरभी प्रो रेसलिंग, मेरा बहुत सारा पॉडकास्ट उसके साथ होता रहता है रेसलिंग पे, प्रो रेसलिंग पे, बहुत तफा सारा रैंडी ऑर्टन फैन। सो अरे सेम सेम, आज मैं कोइंसिडेंटली आज मैं रैंडी ऑर्टन का टी शर्ट पहन के बैठने वाला था, ये बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा रैंडी ऑर्टन का फैन हूं। बाय 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 बाय, देखेंगे। हिंदी डब नहीं मिलेगा ना इसके? अरे यार, अब हिंदी कौन ही करने जाएगा? एक अच्छा वेल थ्राइविंग इंडस्ट्री बन सकता है भाई, अगर तुम डबिंग पे जो है एक प्रॉपर बढ़िया सेटअप करो, लेकिन हाँ ये पॉइंट वो कुछ भी मत बोल दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुरेखा। अरे अरे एक्सीडेंटली स्टंबल्ड अपॉन दिस एज ऑफ अल्ट्रॉन आई थी यूटीवी मूवीज पे, वो जो वो भाई बहन का नाम क्या है, वांडा मैक्सिमोफ एंड उसका भाई जो भी था, दे वर टॉकिंग राजस्थानी, वो राजस्थानी में बात करते कि ये कर रहा है टाइप, मतलब इफ यू डोंट यूज एक्टर्स एंड यूज डबिंग आर्टिस्ट, तो मतलब वो पूरा कन्विक्शन चला जाता है डबिंग आर्टिस्ट, कहा एक्टर्स अलग जोन में होते परफॉर्म करते टाइम, उसको तुम चाय पीते कॉफी पीते अलग जोन ऑफ माइंड में तुम डब करोगे तो इट इज नेवर मैच दैट लेवल ऑफ कन्विक्शन। तुम्हें फंडामेंटल है क्या देखी है? फंडामेंटल है क्या? नहीं, जजमेंटल है क्या देखी है? सॉरी गुड वन, जजमेंटल है क्या? फंडामेंटल है क्या? अच्छा जजमेंटल है क्या? मैं नहीं नहीं मुझे सही में लगा कि कुछ फंडामेंटल है क्या, सही में एक मूवी ही होगी, फिर मैंने कहा कि नहीं मैंने ऐसा मिलता जुलता कुछ देखा है। कंगना उसमें डबिंग आर्टिस्ट थी ना, डब करती थी, डब करी थी प्रॉपर। अभी कंगना बोलोगे तो 20-30 फैंस और 200-300 ऑपोजिशन वाले एकदम कूद पड़ेंगे यहीं पे। डोंट यूज इंडियन रेफरेंसेस डेफिनेटली, वो तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। चाय पीने चले तुम शाम से? हाय आयुष, हेलो कैप्टन स्ट्रेंज, ये भी मेरे भाई हैं, काफी फैला हुआ खानदान है, कई फैला हुआ कारोबार। कंगना अच्छा है, कंगना फैन है। ओहो कंगना, मैंने कंगना की कौन सी मूवी देखी? एक ही दो मूवी देखी है, जजमेंटल है क्या, क्वीन, सॉरी लेकिन क्रिस 3। बस यही तक नहीं, मणिकर्णिका नहीं देखा। हाँ तनु वर्सेस मनु देखा, यही तो मैं रुक गया था। रिटर्न्स देखिए, I can do this all day. Yes. We can do this all day. है ना?
अभी तो शुरुआत है। मेरे को लग ही रहा था ये कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा आदमी। बराबर। अरे मैं आपसे पूछने वाला था मार्वल और डीसी। दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। ऐसा कुछ अभी कभी जो भी एंटरटेनिंग होता है गैंगस्टर पंगा मैंने कुछ नहीं देखी। आई एम सॉरी गैंगस्टर गैंगस्टर नहीं देखा पंगा हम भी देखे हैं पंगा हम भी देखे हैं। ऐसा कुछ नहीं जो भी एंटरटेनिंग फिल्म बनाए मेरा उस तरफ रुझान हो जाता है। मेरे को एंटरटेन कर दो मेरे को मतलब नहीं तुम डीसी से हो मार्वल से हो। मेरे को कॉमिक मूवीज देखने जाते कॉमिक बुक मूवीज देखने जाते तो एंटरटेनमेंट इज मस्ट। ये मार्वल प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल मेरे को मजा। हाँ आई अभी स्नाइडर कट आने वाला है तो बवाल उठा है। हाँ मैंने बैटमैन सुपरमैन नहीं देखा। ड्यून का ट्रेलर ड्यून का ट्रेलर देखा कि नहीं? हाँ देखा 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 माइंड ब्लोइंग। शक्तिमान शक्तिमान भी देखे हैं हम तो क्रिश सीरीज शक्तिमान देखे दो एमिली। अरे तुम फ्रेंच वाला क्या बताए थे वो मेरे को नाम भेजना मेरे को। मोनोस मोनोस एम ओ एन ओ एस अब मुझे नहीं पता यही बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं। गैंगस्टर देखो जी सर कोशिश करूंगा मैं पता नहीं अभी इमरान हाशमी का वैसा इमेज बन गया है ना कि इस मूवी में सिर्फ गाने अच्छे होंगे मूवी किसी काम का नहीं होगा। गोलमाल पहली वाली अच्छी है। शर्मन जोशी द मोमेंट शर्मन जोशी वाज थ्रोन आउट ऑफ द फ्रेंचाइज फ्रेंचाइजी कोलैप्स रोहित शेट्टी यूनिवर्स। यस तो रोहित शेट्टी यूनिवर्स इज एंटरटेनिंग वन। इंडियन वाला बैलेंस कर रहे हैं हम लोग मार्वल डीसी बात कर रहे थे ना तो वो इंडियन वाला बता रहा है कि भाई नहीं हम इधर वाले भी है। हां तो मिस अग्रवाल होटल ट्रांसफर है। हाँ तो शी हैज बीन पर्सुएडिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम टू वॉच एनिमेटेड मूवीज। मैं एनिमेटेड देख नहीं पाता हूँ पता नहीं क्यों। आई स्टार्टेड विद बोजैक हॉर्समैन 2-3 मंथ्स बैक दो तीन एपिसोड देखा मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ पता नहीं क्यों। बचपन में एनिमेटेड देख के गुजारा हो नहीं पा रहा मुझसे सो आई हैड टू स्टॉप। मैंने एनिमेज भी नहीं देखी। बोजैक हॉर्समैन काफी वोक है मतलब आई थिंक मैं इतना सुनने में आया हम देखे नहीं है। रिक एंड मॉर्टी हम बहुत देखते हैं फॉलो करते हैं। डार्क डार्क के बारे में डिस्कस करने बोल रहे हैं डार्क में हम खुद ही फंस जाएंगे। शक्तिमान शक्तिमान हाँ भाई शक्तिमान बेस्ट शक्तिमान के सामने शक्तिमान का कंपैरिजन ही नहीं है भाई। वॉच गिबली देखिए। गिबली क्या है? गिबली स्टूडियोज एनिमेस का बिगेस्ट स्टूडियो समझ लो ऐसा बेस्ट एनिमे मूवीज वहीं से आती हैं। तो इसका रिकमेंडेशन बहुत टाइम से आ रहा है मेरे को। ये तो मेरे को हर थोड़े दिन पर याद दिलाते हैं पर हो नहीं पा रहा है मेरे से। कभी ना कभी तो शुरू करूंगा। कूल यप हेलो विशाल आई थिंक और आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे आज रैप अप करते हैं। सिंचन ऑन टाइम फेवरेट अरे बेब्लेड पोकेमोन पोकेमोन बहुत देखता मैं डोरेमोन बहुत देखता था। डोरेमोन हम भी डोरेमोन बहुत देखते हैं। मार्क्स मेरे ठीक ठाक ही आते थे लेकिन फिर भी हर एपिसोड रिव्यू करना होगा डार्क का इफ यू वांट टू इसलिए। और डार्क काफी ज्यादा उसके चर्चा में है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड स्टोरी लाइन वगैरह है। आई डोंट नो सीरीज मेरे से जल्दी फोटो भेज दूंगा। हाँ, बिल्कुल पक्का। सो वी विल रैप अप फॉर द डे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए जो लोग आए एंड वी विल डू दिस। बॉब द बिल्डर यार बॉब द बिल्डर यार बहुत ही बॉब द बिल्डर मेरे को सिखाया कि वो बिजली कड़कने के बाद ना एक हाथी दो हाथी तीन हाथी चार हाथी तुम गिनो जब जय शिव शंभु हर महादेव वो आएगा तो तुमको पता है कि इतना मील दूर है तूफान। एंड इट एक्चुअली वर्क्स एक्चुअली कलर इफेक्ट लुक्स ऑसम यार भाई बस स्क्रीन का हल्का सा तो मैंने बोला ही था ये बंदा खेल जाएगा इस इधर लग ही रहा था मेरे को अटेंशन ग्रैबिंग। अभी तो ज्वाइन किया तो भाई एक घंटा से मेरा चल रहा है अभी। अमन सर हम 10 बजे से चल रहे थे अभी 1 बजे इन्होंने बंद कर दिया हमारा जबरदस्ती हमको दोबारा आना पड़ा है बातें घंटा होने के बाद। डोंट वरी दिस इज अ पायलट एपिसोड नेक्स्ट वीक से प्रॉपर 1 आवर और देखेंगे 1 आवर 2 आवर क्या पता नहीं कितने देर भी बात कर सकते हैं हम लोग नो प्रॉब्लम बट वी विल सिंक अप समटाइम नेक्स्ट वीक। Sure. Thank you so much for joining. Love you guys. And stay tuned to watch Cinema Rory. हाँ ये मेरा बात कर रहा है। हाँ समझ गया। So please do join to watch. Please check out Cinema Rory. I have tagged him on my post. I'll tag it. Likewise. Thank you the. Best person भी देखते रहिए। Thank you everyone. चलिए. Thank you. Good night. शुभ रात्रि. Bye bye.
चलो फोटो भेजना याद से. जी जी बाय बाय. प्रणाम प्रणाम.